हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल गेमिंग गुरुकुल लाइव में, जहां पर हम सब जाएंगे विजुअल स्पेक्टेकल्स गेम की राइड पर। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। ओके गाइस, तो हम फिर से खेल रहे हैं अपनी प्यारी हॉट सेक्सी लाइब्रेरी का गेम, जो कि है शैडो ऑफ द टॉम्ब रेडर। लेकिन ये गेम ना उतना फेमस नहीं है, लेकिन अपनी प्यारी हॉट सेक्सी लाइब्रेरी दीदी बड़ी फेमस है। तो आज हम देखेंगे कि ये लाइब्रेरी ने आज इस गेम में क्या क्या गुल खिलाया। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैं प्यारी हॉट और सेक्सी बोल रहा हूँ, लेकिन फिर दीदी भी बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों? तो भाई लोग, बात यह है कि इस गेम में दीदी जी के जलवे ऐसे हैं कि आप उसे देख कर दीदी ही बोलोगे, आगे कुछ बोलने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका जबड़ा तोड़ देंगे वो भी बढ़िया तरीके से। तो अभी हम मेड पैचेस लगा लेंगे, इससे क्या ना अपनी दीदी की स्टेल्थ कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये हम यहाँ आगे उत्तरी, यहाँ पर होगा शिकार असली वाला, इसलिए हमने स्टेल्थ कैपेबिलिटी ऐड की थी। यहाँ पर सही सीन है, यहाँ पर हम पहले मैं इसका काम डालूंगा। हाँ, ये यहाँ पर सही, यहाँ पर अगर मैं मार दी इसको, ये गया यहाँ पर। हाँ, और अब लोगों ने नोटिस भी कर लिया है, अब मुझे अपनी बंदूक निकालनी पड़ेगी। अरे तेरी ग्रेनेड फेंक दिया लोगों ने, अब पहले तो मुझे यहाँ पर बंदूक निकाली है क्या? ये ठैक ठैक दो बजे में मार दिया मैंने, ये भी गया। अभी अभी कोई है? मुझे नहीं लगता कोई है। सबको लूट कर मुझे यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि इनके दोस्त आ जाए यहाँ पे। ये हाँ, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा ताकि इनके दोस्त यहाँ पर ना आ जाएँ, और उससे पहले मेरे को अपने मकसद कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आने का ना मकसद था गेम के अंदर जाना और अपने कोकुल कान के खजाने का रहस्य पता करना। और ये लोग ना, ये सिर्फ ऐसी है रास्ते की रुकावट। अरे ये और है, ये रास्ते की रुकावट यहाँ पर और है दोस्तों, हमें इन्हें निपटाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है मुझे बंदूक लेनी चाहिए और एक सब ठाए ठाए कर देना चाहिए। ये ले लिया मेरी बंदूक और ये गया, एक दो तीन चार, ये मुझे सब कसम निपट गए। इन्हें लूटो और आगे बढ़ो। ये मैं लूटा इनको, ये इनको, ये ना लूटने से ना बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिसमें से एक होता है गोल्ड। गोल्ड बहुत अहम है, मुझे इन सबको लूट कर गोल्ड जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा इकट्ठा कर लेनी है, ताकि आगे जाकर ना मैं फिर गोल्ड का इस्तेमाल कर ट्रेड कर सकूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस गेट खोल रहा हूँ, पता नहीं खोलने से फिर उस तरफ क्या है। ये कोई ऑयल कंपनी का कुछ सिस्टम लग रहा है मुझे, लेकिन इतनी जंगल में ऑयल कुछ बात जमी नहीं। उस तरफ कोई है तो नहीं? मैं पहले देख लेता हूँ। नहीं नहीं, उधर सब कुछ खाली है। तो अब अपन जाएंगे उस कुएं के अंदर। ये तेल है, ये ना फायर रोल बनाने काम में आता है। तो अभी हम तेल उस कुएं के अंदर जाएंगे, लिफ्ट सी है। ओह, वो दीवार से चढ़कर हमें जाना होगा दोस्तों, मैं समझ गया। ये पकड़ी हमने दीवार और हमें रैपल करना होगा नीचे की तरफ। अरे यार, ये तो मैं गिर गया। खैर, यहाँ पर तो लाशें बिछी हुई हैं। वो तेरी तो ट्रेंड कमांडोज थे जो गुफा के अंदर गए थे, लेकिन यहाँ पर तो इन सब की लाशें बिछी हुई हैं। इन सब किसने मार दिया? यहाँ चारों तरफ खून ही खून है, आग तबाही के निशान। ओ माय गॉड, किसने मार दिया इन सबको? मुझे लगता है ना मुझे सावधान रहना पड़ेगा उससे भी जिसने इन्हें मारा है। ये लोग तो हम निपट लिए, अभी देखना ये कि इन सबको मारा किसने। बहुत ही भयंकर रूप से मारा है, मारा कम घसीटा ज़्यादा है। ये चारों तरफ निशान ही निशान बिखरे हुए हैं, और सबके सब ट्रेंड कमांडोज थे, हेलमेट के साथ, जैकेट्स के साथ, फुल ऑन गियर के साथ, और इन्हें किसी ने तो निपटा दिया। वो बंदा तो सच में बहुत खतरनाक होगा। बंदा है, बंदों का ग्रुप है, बंदी है। ओ तेरी, ये बड़ा ही कॉसम लुक गाइस, पता नहीं क्या है, कोई सा टेंपल का कुछ सिस्टम है। और ये अपनी लारा क्रॉफ्ट ने जोना को बताया, जो तो उसे साथी है, कि उसे एक टेंपल मिल गया है। यहाँ पर टेंपल बहुत सारे हैं। ये चारों तरफ तिदकती हुई ज्वाला, मुझे डायल को घुमाना होगा ताकि मैं ये तिजोरी खोल सकूँ। और सामने में एक तिजोरी है, और हमें उसे खोलने के लिए डायल्स को घुमा के सही कॉम्बिनेशन सेट करना होगा। पुराने जमाने में भी ये लगता है मैंने शायद पहला गेट खोल लिया। नहीं, पुराने ज़माने का भी नहीं, मैकेनिज्म सच बता रहा हूँ, पुराने ज़माने का मैकेनिज्म आज के मैकेनिज्म से काफ़ी ज़्यादा ऑसम और एडवांस था। देखो जरा, आपने जरा सोचो, पत्थरों के ज़माने में, सिर्फ पत्थरों से उन्होंने ऐसा ऑसम ये तिजोरी बना लिया जिसे ज़बरदस्ती नहीं खोल सकते। आज के टाइम में कोई भी शख्स जो स्टील से या इससे ज़रा मजबूत मेटल से जो तिजोरियाँ बनी होती हैं, उसे कोई भी चोर बगैर, अगर कोई माहिर चोर है तो बगैर चाबी के खोल सकता है। लेकिन ये वाली जो तिजोरियाँ हैं, ओ तेरी भाई क्या बताऊँ, उन्हें कोई खोल नहीं सकता। ये मैंने कुछ खोल लिया। हाँ, ये खुला पहला दरवाज़ा खुल गया समझे। और यहाँ पर हैं कुछ गहरे राज, ये राज क्या है मेरे कुछ पहले नहीं। अब मुझे वापस लौटना होगा। ये आग का सीन बड़ा कमाल का है, मतलब स्पेशल इफेक्ट डाल रहा है।
ये यहाँ पर पहले दो ही पत्थर थे, ये तीन हो गए। कुछ तो काला कांडी हुई है, शायद गेट खुल गया मेरे दोस्त। अभी मुझे इन्हें घुमाना होगा ताकि मैं और खोल सकूँ। मुझे लगता है ये चाबियाँ हैं, ये डायल्स घुमा कर ना मुझे कॉम्बिनेशन एक सेट करना है जिससे परत दर परत दरवाजा खुलता चला जाता है। ये एक दरवाजा खुल गया मैंने, ये दूसरा दरवाजा, ये भी ये डायल के अंदर, ये नहीं खुल, ये नहीं खुल। मुझे कॉम्बिनेशन सेट करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन सेट करूँगा तब फिर अगला दरवाजा खुलेगा और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये अभी तो वहाँ पे जमीन थी, जमीन खत्म हो गई। अरे ओ माय गॉड, ये क्या खतरनाक सिस्टम है। मतलब अगर मैंने कॉम्बिनेशन गलत सेट किया और उसकी वजह से मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो मैं चला जाऊँगा नीचे आग में, झुलस जाऊँगा और ख़त्म हो जाऊँगा। लेकिन हम लारा दीदी को बचाएंगे और इस मिशन को पूरा करेंगे सही सलामत लौट। और अभी मैं ये लायल घुमा रहा हूँ, पता नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा, कोई कॉम्बिनेशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। कॉम्बिनेशन तो मिलना ही चाहिए, जाहिर सी बात है। मैंने इन्हें इधर का दरवाजा देखा था, उधर भी होगा, उसका भी गेट वो ऊपर से ओपन रखा है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सीन होगा, मुझे समझ में आ नहीं रहा है। खैर अभी मैं यही डायल घुमा रहा हूँ, ये एक ये मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन पूरा हो गया है। अभी ये देखना पड़ेगा कि काम बनता है कि नहीं। मैं पीछे नजर रख रहा हूँ, ये मैंने गेट खोल कर वापस आ गया, कुछ हुआ? अरे यार नहीं, कॉम्बिनेशन सही नहीं था, मुझे कॉम्बिनेशन को सही करना होगा वरना फिर से वही वाला काम हो जाएगा, सब नीचे चला जाएगा, ये सही नहीं होगा। मुझे कॉम्बिनेशन सेट करना होगा लेकिन यहाँ से ना मुझे शुरू करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मैं उसी तरफ एक डायलॉग घुमा रहा था, इस तरफ डायलॉग घुमाया नहीं। उधर दरवाजों पर जो निशान बने हुए ना उसमें से नीचे तीन डॉट दिख रहे हैं, वहाँ पर मैंने दो और लगा दिए गोल गोल से। अब यहाँ पर मुझे तीन डॉट्स दिख रहे हैं और मुझे इन तीन डॉट्स की मदद वो यहाँ पर नीचे लगाना पड़ेगा, इसे शायद कॉम्बिनेशन सेट हो जाए। ये तीसरा डॉट यहाँ नीचे आ गया, मुझे लगता है शायद अब कॉम्बिनेशन सही है और अब मुझे खोलने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैंने खोल लिया, नहीं सॉरी ये अभी खोला मैंने, ये खुल रहा है, हाँ खुल गया, कॉम्बिनेशन एकदम सही था गाइस। और ये क्या है यार, दरवाजे के पीछे दरवाजा, दरवाजे के पीछे दरवाजा, ये तो गलत बात है यार। अरे ये लेकिन गलत बात है, ये बता रहा हूँ ये क्या हो रहा है। अच्छा हाँ अभी मुझे पता चला, ये ना पांच तालों का सेट है, मतलब पांच दरवाजे हैं जिनमें से हम दो या तीन खोल चुके हैं, अभी हमें बाकी के सारे दरवाजे खोलने पड़ेंगे ताकि हम उस तरफ जा पाएं। यहाँ पर ये देखिए एक डायल और ऊपर चला गया, ये पहले तीन थे फिर चार हो गए, उससे पहले दो थे, यानी कि पहले दो थे फिर तीन हुए फिर चार हो गए। अभी मुझे डायल्स घुमाने हैं ताकि मैं ये वाला कॉम्बिनेशन सेट कर सकूँ और फिर ये दरवाजा खोल सकूँ, फिर आएगा एक पाँचवा दरवाजा, फिर उसे भी कॉम्बिनेशन सेट करके दरवाजा खोलना है। यहाँ पर भी देखो पिलर्स में भी एक एक्स्ट्रा निशान बन गया है, तो मुझे यहाँ पर एक ये एक एक्स्ट्रा सेट कर देना है और वहाँ पर देखना पड़ेगा वहाँ पर क्या सीधी निशान आया है। उस तरफ तो कोई निशान नहीं है, मुझे खुद से पता करना पड़ेगा। अभी घुमाता हूँ, मैं घुमाते जाता हूँ, शायद किसी से काम बन जाए, देखना पड़ेगा। ये उधर ना एक और थोड़ा सा निशान है, ये इस तरफ घुमाना पड़ेगा, ये निशान मुझे लग रहा है मुझे समझ में आना चाहिए, एक मिनट बता रहा हूँ मैं। ये हो गया, ये शायद हो गया, मुझे फीलिंग आ रही है कि हो गया, मैं वहाँ जाकर टेस्ट करता हूँ। ये हो गया, ये मैंने खोल दरवाजा बटन प्रेस कर दिया और ये खुल गया, ये भी खुल गया गाइस। और ये आखिरी दरवाजा है जिसे हमें खोलना होगा ताकि हम दरवाजे के उस पार जो क्या है उसे देख सकें। पांच पांच दरवाजे हैं, उस तरफ जो कुछ भी होगा बड़ा काम का, मतलब जरा सोचिए इस दरवाजे को लोग ना खोल पाए इसके लिए लाशें बिछा दी। और अभी ये आखिरी डायल ऊपर आ गया दोस्तों, अब ये पांच पत्थर हो गए काले वाले और उधर मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मुझे खुद से अंदाजा लगाना पड़ेगा। ये आर्टिफैक्ट्स में कोई हिडन वो नहीं है, हमें ना एक डेट को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, एक रेलिक को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। ये मैंने यहाँ पर ये वाला शायद डाल दिया, नहीं ये वाला और okay, वहाँ हाँ ये वाला और वहाँ पर ये ठीक रहेगा। इस वाला इस वाले पत्थरों में जो डायल्स हैं उसमें निशान बहुत ही सिंपल है, लेकिन असली खेल होता है इस वाले पत्थर में जहाँ पर निशानों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर कोई क्लू ही नहीं है, उस तरफ वाले में क्लू है, इस तरफ कोई क्लू नहीं, इस तरफ का सिर्फ अंदाजा लगाना पड़ता है। मुझे लगता है शायद अभी एक आवाज़ आई थी, मुझे लगता है अब सेट हो गया, अब मैं ये तिजोरी खोल रहूँगा। हाँ ये मैंने आखिरी तिजोरी का बटन दबाया और अब ये तिजोरी नहीं, फाइनली गाइस हम उसे देख पाएंगे। वो तेरी भयानक वाली पेंटिंग कमाल है, इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसके पीछे चार दरवाजे इस पेंटिंग को बचा रहे थे। ये
ये एबी के साथ उसका दोस्त है और ये दोनों जर्नी पर निकले थे और ये सिल्वर आई की तरफ, ये जो है बता रहे हैं सिल्वर आई की तरफ, ये जो पेंटिंग है उस सिल्वर आई की तरफ, जो कोने में निशान बना हुआ है उसकी तरफ सब कुछ दिखा रही है, मतलब दर्शा रही है उसी तरफ। तो अभी तो हम यहाँ आ गए हैं पांच दरवाजों को पार करके, पाथ ऑफ द डेड, और अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन वो इस एपिसोड में नहीं, वो जानने के लिए आपको देखना होगा उसी गेम का अगला एपिसोड। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन में जाके ऑल के घंटे को जोर से दबाइए, चैनल को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, अच्छा लगा या बुरा लगा बताइए, इसे शेयर कर दीजिए, इसे फैला दीजिए चारों ओर। सो गुड बाय।